प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देने और ऑनलाइन आवेदन के लिए कृषि विभाग ने राज्य किसान पोर्टल की शुरुआत की है। कृषि विभाग के आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान घर बैठे ही कृषि से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वैसे किसानों के लिए भी ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग होना चाहिए। किसानों को इधर उधर बहुत ज़्यादा जाना नहीं पड़े, एक ही जगह पे उनको सब तरह की सुविधाएं मिल जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज किसान साथी पोर्टल का निर्माण किया है। इसमें इसी पोर्टल के माध्यम से सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उसका लाभ किसान है वो इस पोर्टल के माध्यम से ले सकता है, चाहे वो किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता है। इसमें एक चीज़ हमने ये करी है कि सारी चीज़ें एंड टू एंड जो है वो डिजिटाइज्ड है, यानी उसका एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, एप्लीकेशन के बाद में उस एप्लीकेशन का यदि वेरिफिकेशन करना है हमारे विभाग से तो वो ऑनलाइन होगा, कहीं पर भी हमारा अधिकारी फील्ड में जाकर के उसको चेक करता है तो उसके लिए ऐप बने हुए हैं वो भी ऑनलाइन होगा, और उसका पेमेंट का जो जनरेशन होगा, बिल का जनरेशन, वो ऑनलाइन होगा, और उसके अकाउंट में पैसा भी जो है वो ऑनलाइन DBT में जाता है, यानी एप्लीकेशन से लगा करके किसान के अकाउंट में जब तक पैसा जाता है सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अगले कुछ दिन में हम इसको ई धरती से भी जोड़ रहे हैं। ई धरती से जोड़ते ही जो खाता और खसरा नंबर यदि किसान डालता है तो उसके जो जमाबंदी की कॉपी और उसका नक्शा सीधा ऑटोमेटिक आ जाता है, तो उसके बाद में बहुत कम सूचनाएं हैं कि जो ज़रूरत रहती है और बाकी अपलोड करना बहुत ही मिनिमम होता है, तो ये सुविधाएं हमने दी है।